आज आपके लिए मेरे पास एक सवाल है कि एक कंपनी की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है, सिर्फ ये कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए या वो जिम्मेदारी जो इससे भी कई ज्यादा होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में कई सारे ब्रांड्स ने ये दिखाने की कोशिश की है कि उनको पर्यावरण की बहुत चिंता है, पर क्या ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है? आज हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि कैसे डच मार्गरेन और ब्रिटिश सोप ने पूरी दुनिया में अपने विशाल रेंज के प्रोडक्ट्स फैलाए हैं। ये यूनिलीवर का इतिहास है। जब भी आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो अंदाजन वहां 75% प्रोडक्ट्स सिर्फ 10 कंपनीज के हैं। देखने में जरूर लगता होगा कि वहां ब्रांड्स का कभी ना खत्म होने वाला सागर है, पर अगर आप हर ब्रांड की डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो किसी बड़ी मछली के अंदर आते हैं। यूनिलीवर इनमें से सबसे बड़ी नहीं है, वो सम्मान नेस्ले को जाता है। आप सुबह उठ के ब्रश करने से लेकर लंच करने तक सारे काम सिर्फ यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स की मदद से कर सकते हैं। यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स को चार कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी है पर्सनल केयर, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट, और दूसरी कैटेगरी है फूड, तीसरी कैटेगरी है रिफ्रेशमेंट जैसे कि आइसक्रीम, चाय पत्ती, और चौथी और आखिरी कैटेगरी है होम केयर जिसमें डिटर्जेंट, सोप वगैरह आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यूनिलीवर इतनी सारी चीजें कैसे बना लेता है। इसका बहुत सिंपल आंसर है फैट। पिछले कुछ सालों में उनके प्रोडक्ट्स की केमिस्ट्री चेंज हो गई है। ये सब 1929 में शुरू हुआ था जब एक डच मार्जरीन प्रोड्यूसर मार्जरीन यूनी और एक ब्रिटिश सोप मेकर द लेवल ब्रदर्स एक दूसरे से मिले। उस समय उन दोनों के प्रोडक्ट्स का मेन इंग्रेडिएंट एनिमल फैट हुआ करता था। मार्जरीन यूनी की खोज खुद दो अलग अलग मार्जरीन बनाने वालों ने की थी। मार्जरीन यूनी को 1870 से 1880 के बीच शुरू किया गया था। वहीं दूसरी तरफ लीवर ब्रदर्स की शुरुआत 1885 में हुई थी और वो अपने सनलाइट नाम के ब्रांड की वजह से फेमस थे। सनलाइट दुनिया का पहला पैकेज ब्रांडेड सोप था। इन दोनों कंपनीज का मर्ज फैट की सप्लाई में मदद के लिए हुआ था। आज तक यूनिलीवर दोनों का लीगल मर्जर होने के बजाय जॉइंट मर्जर है। ऐसा उन्होंने टैक्स बचाने के लिए किया, क्योंकि लंदन हो या रॉटरडैम, दोनों में से किसी भी जगह सेट होने पर उनको टैक्सेस भरने पड़ते। तो यूनिलीवर को दो भागों में बांटा गया है। एक है यूनिलीवर NL और एक है यूनिलीवर PLC। एक एम्स्टरडैम में था और एक लंदन में। वो अपने शेयर्स को बराबर वैल्यू देते हैं और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी सेम हैं। तो कुल मिलाके वो एक ही इकोनॉमिक एंटिटी की तरह ऑपरेट करती है। अपने पहले कुछ दशकों में उन्होंने कुछ बहुत एंड्यूरिंग ब्रांड्स निकाले। हर ब्रांड आज की डेट में बिलियन डॉलर्स का है। 1970s में वो यूरोप की आइसक्रीम मार्केट का 30% हिस्सा कंट्रोल कर रहे थे। आज वो पूरी दुनिया की आइसक्रीम का एक क्वार्टर बेच चुके हैं। वो ज्यादातर हार्ट ब्रांड लोगो यूज करते हैं। जिस भी प्रोडक्ट को वो टेक ओवर करते हैं वो उन्हें उनके ओरिजिनल नाम पर ही रहने देते हैं, जैसे कि डेनमार्क में फ्रिस्को और वेनेजुएला में टियोरिको। उनकी स्ट्रेटेजी इम्पल्स परचेजेस पर है, जैसे कि पार्क में खड़े होने वाले फ्रीजर स्टैंड्स या कोई कन्वीनियंस स्टोर। पर उनको मोनोपोली लॉ की वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी और साल 2000 में UK की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यूनिलीवर इलीगल तरीकों से कॉम्पिटिशन को ब्लॉक कर रही है, जैसे फ्रीजर कैबिनेट्स को रेंट पर देना सिर्फ इस कंडीशन पर कि वो उसमें सिर्फ यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। आपको ये जरूर लग रहा होगा कि ये तरीका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सही तरीका है, लेकिन यूनिलीवर का अनैतिक बर्ताव भी अविश्वसनीय है। जनवरी 2002 में यूनिलीवर, PNG और एक जर्मन कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो 3 साल के लिए डिटर्जेंट्स पर अपने प्राइस फिक्स कर देंगे। यूनिलीवर और PNG पर 300 मिलियन यूरो का फाइन हुआ और हैंकल उनको फंसाकर चुपचाप निकल गई। सवाल यह है कि इसके बाद क्या यूनिलीवर को सीख मिली, और आप अंदाजा लगा पाए होंगे कि जवाब ना है। वो फिर एक बार ट्रायल में फंसे और इस बार वजह थी साउथ अफ्रीका में एक मलेशियन कंपनी साइम डार्बी के साथ प्राइस फिक्सिंग करना। इससे निकलने के लिए उनको अपने लोकल टर्नओवर का 10% फाइन के रूप में देना पड़ा। यूनिलीवर का पर्यावरण के स्तर को गिराने में पूरा हाथ था। इंडोनेशिया अपने रेन फॉरेस्ट का 2% खो रही है और ये सब पाम ऑयल प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, जिसके पीछे ज्यादातर हाथ यूनिलीवर का ही है। 2016 में उनको एक इल्जाम से निपटना पड़ा था कि उन्होंने सैकड़ों हिंदुस्तानी वर्कर्स को मरकरी से पॉइजन कर दिया है, और ऐसी कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जिनमें यूनिलीवर का नाम आया है। यहाँ से अपनी कहानी में एक नया करेक्टर आता है, पॉक पॉलमैन, जो कि नीदरलैंड्स में एक प्रीस्ट बनना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने एक कम धार्मिक रास्ता चुना। उन्होंने पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी PNG, फिर नेस्ले ज्वाइन कर लिया। आखिरकार वो यूनिलीवर के CEO बन गए। वो कंपनी के पर्यावरण पर इम्पैक्ट को 2020 तक आधा कर देना चाहते थे। ऐसा करके वो करोड़ों लोगों की हेल्थ ठीक करना चाहते थे और साथ ही साथ अपनी सेल्स भी डबल करना चाहते थे। मजे की बात यह है कि वो सच में इस विषय पर प्रोग्रेस कर रहे हैं। एमिशंस कम हो गए हैं और लैंडफिल्स में 85% तक कम कूड़ा जा रहा है। लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि यूनिलीवर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं।
उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या इतनी विशाल कंपनी का स्थिरता बनाए रखना पॉसिबल है? यूनिलीवर के पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि हर एक प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लाइफ टाइम लग सकती है। अगर इंडोनेशिया में पाम ऑयल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यूएस में सोयाबीन में होगी, और अगर उसमें भी नहीं है तो मेडागास्कर में वेनिला में होगी। हम बड़े बिजनेस की बहुत निंदा करने लगे हैं, तो अब हमें ये विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगी कि यूनिलीवर अपने बिजनेस को छोड़ के सोसाइटी और पर्यावरण की मदद करना चाहती है। लेकिन हो सकता है कि पॉलमैन हर वो चीज कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं। आज की डेट में यूनिलीवर की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से काफी कम, और इसकी वजह से फरवरी 2017 में क्राफ्ट हेन्स नाम की कंपनी ने उसको 143 बिलियन डॉलर्स में टेक ओवर करने की कोशिश की। वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया था, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ कि पॉलमैन सस्टेनेबिलिटी की बहुत कदर करते हैं। कुछ शेयर होल्डर उन पर निशाना लगाकर बैठे हैं। इन सब की बॉटम लाइन ये है कि कंज्यूमर अपने वॉलेट के हिसाब से वोट करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि यूनिलीवर फ्यूचर में सही स्टेप्स लेगी ताकि लोग अपने खरीदे हुए प्रोडक्ट्स पर गर्व कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें।